नमस्कार, फिर से वही गौतम कुमार। आज जिस जगह मैं खड़ा हूँ, जिस जगह में, वहाँ मुंगेर जिला से लगभग 70 किलोमीटर दूरी पर संग्रामपुर ब्लॉक के प्रांगण में खड़ा हूँ। और यहाँ सीधी तस्वीर दिखाएंगे आपको, जो पहले से यहाँ पर बिल्डिंग था, पुराना बिल्डिंग था, जो बिल्डिंग पूरा पुराना हो गया था, अब टूट टूट के गिर रहा था। कभी भी उससे कोई अनहोनी होने की आशंका था, उसको फिर यहाँ के जो अंचलाधिकारी हैं स्नेहा सत्यम और प्रखंड विकास पदाधिकारी राजेश कुमार सर ने भवन विभाग से एनओसी लेकर, तोड़ने का एनओसी लेकर, उन्हें दो जेसीबी लगा के पुलिस बल, थाना संग्रामपुर से पुलिस बल बुला के जेसीबी से पुराने बिल्डिंग को तोड़ रहे हैं। पूरी तस्वीर दिखाएंगे आपको हम। अभी तो सबसे पहले दिखाते हैं कि ये देखिए, ये जो तस्वीर आप देख सकते हैं कि देखिए कि दो जेसीबी से पुराने बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है। और यहाँ पर जो पहले से, अभी ये भी बता दें आप लोगों को, जानकारी के लिए ये बता दें कि इस बिल्डिंग में पहले रहते थे ये मेस्टर लोग का यहाँ घर नहीं है। जैसे हमने अंचल अधिकारी तारापुर से भी बात किया और यहाँ के भी अंचल अधिकारी से बात किए, तो उनका साफ तौर से कहना था कि यहाँ पर जो रहता था वो यहाँ का है नहीं, बल्कि यहाँ अतिक्रमण करके वो रहता था और गंदगी केवल फैलाता था। और इसके चलते मैंने उसको 2-3 बार भी बताया कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, लेकिन वो गया नहीं। यहाँ उसका घर है नहीं, माढ़ोडी में घर है और वहाँ आधार कार्ड भी है, उनका आवास भी है वहाँ माढ़ोडी में, उसीलिए उसको यहाँ से निकासित कर दिया गया। आवास है माढ़ोडी में। और पूरी तस्वीर दिखाते हैं, अभी देख सकते हैं कि ये बिल्डिंग, और यहाँ पर पुलिस प्रशासन की भी नियुक्ति की गई है, महिला पुलिस भी है, पुलिस बल भी बुलाया गया है। सीधी तस्वीर दिखाते हैं आपको, आप देखिए। और मेरे चैनल को कीजिए, ये मैं आपको जो तस्वीर ये दिखा रहा हूँ, ये बहुत बहुत ये बहुत लोग कहते थे कि इसमें रहते थे मतलब ये सफाई कर्मी, लेकिन सफाई कर्मी का मैं बार बार कहता हूँ, उसका घर यहाँ नहीं था। उसका घर तारापुर ब्लॉक के माढ़ोडी गांव में था। और अभी हम फिर बात करेंगे यहाँ के अंचलाधिकारी से, लिए चलेंगे, बात करते हैं हम मजिस्ट्रेट अंचलाधिकारी से। मैडम ना, कोई बात नहीं मैम, आज अतिक्रमण चल रहा, इसका क्या उद्देश्य था? अतिक्रमण मुक्त कराए जाने का मूलतः उद्देश्य यह था कि पुरानी जो ब्लॉक की बिल्डिंग बनी हुई थी वो काफ़ी जर्जर स्थिति में आ गई थी, तो उस बिल्डिंग को तोड़ना ज़रूरी हो गया था। भवन निर्माण विभाग से भी बजाबते एनओसी प्राप्त हो गया था कि अब इस बिल्डिंग का रहना ठीक नहीं है, तो इसलिए आज अतिक्रमण मुक्त तो कराया गया। वो कुछ ये कारण था क्योंकि पुरानी ब्लॉक बिल्डिंग में पिछले 3-4 वर्षों से कुछ लोग तारापुर प्रखंड के थे पर यहाँ पर अवैध रूप से रह रहे थे। उन लोगों को हटाने के लिए हमारे कार्यालय के द्वारा पहले पूर्व में नोटिस उन लोगों को निर्गत किया गया था कि पहले अपने खुद से वो लोग चले जाएं, अपना सामान हटा दें, तो वो लोग उस समय अपने से खाली नहीं किए, तो आज अतिक्रमण मुक्त कराने के बाद ये पूरा भवन हटाया जा रहा है। धन्यवाद मैम।